बंधुगण डीएम गुड हेल्थ टिप्स आपण मानक स्वागत करुच्ची। जेतेबेले पृथ्वी रे किछि नथिला मनुष्य शिकार करी निज जीवन आरंभ कला, किंतु परे जेतेबेले मनुष्य आदिवासी मानकरे बास आरंभ कला एवं संख्या अनुजाई खाद्यर अभाव देखागला सेतेबेले मनुष्य चाष आरंभ कला। परे कृषि कार्य को सहज करिया पई कृषि उपकरण मध्य उद्भावन करा जाई थिला। एही उपकरण गुड़िकर उद्भावन सबुठार बड़ आविष्कार हेउची हल, जहाँ हल करी कठिन माटी को कोमल एवं बिहन युक्त करी पारे। परे परे भारतर महान योगी माने निजे समाधान रु प्रेरणा नहीं हलासन नामक आसन सृष्टि करथिले। जेहेतु हल कठिन जमी को नरम करी पारे, सेहिपरि हलासन शरीर नमनीयता करिबारे अत्यंत उपयोगी प्रमाणित होई पारे। योग सुस्थ रहिया सरल एवं सठिक उपाय यह करिबा आपण केवल सुस्थ एवं खुशी रखे ना, बरम आपण प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करिथाए। सेथिपै योग आसन आम पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि आपण जेकोनसी रोगरे पीड़ित अछन्दि तेबे एपरि परिस्थिति रे विभिन्न योगासन करि आपण एहि रोगरु मुक्ति पाई पारिबे। एभळी परिस्थिति रे आजि आमे योग स्थिति विषय रे कहिबाकु जाउछु, जहार नाम हेला हलासन। बंधुगण, हलासन कौन, यह किपरि करा जिबे एवं यहार लाभ कौन, ए विषय आसंतु जानिबा। एहि योग करिबा द्वारा कोष्ठकाठिन्य एवं बदहजमी पेट संबंधी समस्त रोगरु मुक्ति मिलिथाए। यह सहित हजम प्रक्रिया मध्य शक्तिशाली होइथाए। ओजन ह्रास करे, जदि तुमर बढ़ुथिबा ओजन द्वारा तुम्हें असुविधा रे पड़िछ तेबे तुमर ओजन ह्रास करिबाकु प्रतिदिन हलासन अभ्यास करंतु। मेटाबॉलिज्म वृद्धि करे एवं ओजन ह्रास करिबारे सहाय्य करे। निद्राहीनता पाई लाभदायक होइथाए। जो माने अनिद्रा रोगरे पीड़ित सेमानक पाई हलासन बहुत लाभकारी होइथाए। हलासन करिबा द्वारा गलार ग्रंथि प्रभावित होइथाए, शरीर संतुलित होइथाए। पेट एवं पीठी यंत्रणा एवं चर्बी ह्रास करिबारे सहाय्य करे। यहाँ अभ्यास करिबा द्वारा भोक बढ़ी थाए। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पई हलासन सर्वोत्तम होइथाए। मधुमेह रोगी को पाई एहा बहुत लाभकारी आसन होइथाए। हलासन करिबा द्वारा मन को शांति देइथाए। एहा थायराइड ग्रंथि सहित जड़ित समस्या दूर करिबारे मध्य सहाय्य करे। बंधुगण, हलासन उपकारिता विषय जानिले एबे आसंतु जानिबा एही आसन किपरि अभ्यास करा जाए। एथिपाई सर्वप्रथमे एक परिष्कार परिवेश एवं समतल स्थान रे एक योग मैट किंबा बेडशीट रखंतु। वर्तमान यहा उपरे तुमर पिठी ऊपर सोई रुहंतु एवं दुई हाथ को आसन उपरे रखंतु। वर्तमान धीरे धीरे गोड़ को एक सीधा लाइन रे ऊपर को उठंतु एवं तापरे अंटा सहाय्य रे सेगुडी को आपन को मुंड पछरे नियंतु। मुंडर पछपट पर्यंत यहाँ नियो जेपर्यंत तुमर पाद भूमि छुईब ना। बर्तमान तुमर सामर्थ्य अनुजाई यही अवस्था रुहंतु। तापर तुमर साधारण स्थित को फेरी आस। आरंभ यही आसन करिबा समय रे अत्यधिक बल व्यवहार करिबा को चेष्टा करंतु नाही। धीरे धीरे तुमर अभ्यास वृद्धि कर। यह सहित आपण निरापद रहिबे एवं आपण हलासन समस्त लाभ उठेबा को सक्षम हेबे। बंधुगण, मु आशा करुछि जे ए भिडियोटी आपण मानको बहुत मात्रा रे पसंद आसी। भिडियोटी पसंद आसीले भिडियो को लाइक करंतु, बहुत मात्रा रे शेयर करंतु, कमेंट करंतु। जदि आमर चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करनियंतु। धन्यवाद बंधुगण।